थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. तो ये पागलपंती को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स गो टू द स्केच बोर्ड. पागलपंती कुक करने के लिए हमारे साथ है शेफ विक्रम. हाय गाइस. और हमारे पास चीफ इंग्रेडिएंट्स है चश्मा. परफेक्ट. और साथ में है हमारे पास ये वाइपर्स. और इन दोनों को मिला के शेफ कुक करने वाले हैं पागलपंती. यस. सो शेफ विक्रम, अब बताइए आप ये पागलपंती की डिश कैसे बनाएंगे? यस. यहाँ पे आएगा एक वाइपर. ओके. और यहाँ पे आएगा एक और वाइपर. ठीक है. इसका मूवमेंट कैसा होना चाहिए? ऐसा और ऐसा होना चाहिए. ठीक है. इसके लिए हम ये दो मेंबर जैसा लगा देंगे. अब ये मूवमेंट कैसा, यहाँ से देखा गया तो इसका मूवमेंट ऐसा 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 मूव होना चाहिए. करेक्ट. तो हम वो भी अटैच कर लेंगे. और यहाँ पे एक और पतला सा रॉड. ओके. तो ये रॉड को हम एक ट्रैक में लगाना पड़ेगा या तो फिर बाहर गिर जाएगा. ऑफ कोर्स. तो ये हो गया दो ट्रैक्स. इसे हमेशा यही पोजीशन में रहेगा. ओके. अभी हम ये पार्ट से ऐसा बेंड करना पड़ेगा यही रॉड को. अब यहां पे हम इंस्टॉल करेंगे. हम एक मोटर लेंगे छोटा सा. और इसके साथ आएगा एक बैटरी. ओके. प्लस माइनस. और यहां से आएगा एक स्विच. पूरा हम एक डब्बा में पैक कर लेंगे. अभी हम एक छोटा सा डब्बा ऐसा लेंगे. ओके. इसमें एक कैप भी होना चाहिए. डब्बा मतलब सिर्फ डब्बा नहीं, ढक्कन के साथ. क्योंकि इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पैक करना चाहिए. ओके. तो हम यहाँ पे एक छोटा सा होल करेंगे. ओके. उसके बाहर यहाँ से आएगा ये शाफ्ट. तो शेफ. यस. आप ये शाफ्ट को अटैच करेंगे यहाँ पर स्मार्ट बॉय. तो एक क्रैंक बन जाएगा. वेरी गुड. ठीक है. अभी हम ये डब्बा यहाँ पे ऐसा फिक्स कर लेते हैं. और यहाँ से आएगी ये छोटा सा शाफ्ट. और इसके ऊपर है क्रैंक शाफ्ट. नाइस शेफ. अभी डब्बा नहीं बनाया अभी तक. खोल. अभी हुआ नहीं अभी तक. पूरा तो सुन लो. और ये जब ये क्रैंक ऐसा घूमेगी, ये डब्बा है, इसके सामने से क्रैंक ऐसा आएगी. और ये पॉइंट से ये जो हुक है ना, ये हुक को यहां पे ऐसा इंस्टॉल करना पड़ेगा. जब ये क्रैंक घूमेगी, ये रॉड भी आगे पीछे घूमेगी, उसके बाद ये वाइपर्स घूमेगा और आपको क्लियर भी दिख जाएगा. नाइस शेफ. थैंक यू वेरी मच. मैं क्लैप. ओह क्लैप. इट्स एंबैरेसिंग. एंड हम हैंडशेक नहीं शो में, हम थोड़ा ऐसा कुछ करते हैं इंजीनियर दिस. ओह ऐसा क्या? सो लेट्स इंजीनियर दिस. सबसे पहले हम फ्रेंड्स, ये जो रेड वायर है ना, ये पॉजिटिव है और ये ब्लैक वायर नेगेटिव. यस. बैटरी में भी सेम रिप्रेजेंटेशन है. ये देखा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. ये देखा, चालू हो गया. अभी ये कनेक्शन दे देंगे पूरा. बट हम बीच में स्विच भी ऐड कर लेंगे. ठीक है. ये स्विच, ये ब्लैक वायर है ना, यहां पे से कनेक्ट कर लेते हैं. ये कनेक्शन दे दिया. अब ये बैटरी से कनेक्ट करते हैं ब्लैक और रेड. देखते स्विच काम कर रही. हाँ, काम कर रहा है. चलो इसको सील कर लेंगे इंसुलेशन टेप से. यस. yes. यहाँ पे हम छोटा सा होल करना पड़ेगा. उसके लिए चाहिए पंच. कहाँ चाहिए? ये पंच नहीं पहलवान. किडिंग. हमको चाहिए छोटा सा पंच. मैं अब भी लेके आता हूँ. ठीक है. देखा फ्रेंड्स, पागलपंती के लिए कुछ भी करेगा, कितना एक्साइटेड है. क्या बोला? कितना अच्छा प्रोजेक्ट है. तो फिर देख, अभी ये मैं पंच यहाँ पे करूंगा. होल हो गया. इसमें भी पंच कर लेते होल. देख, ये पोजीशन में एग्जैक्टली यहीं पे आना चाहिए. तो बंद करते वक्त डायरेक्टली उसमें आ जाएगा. स्मार्ट फ्रेंड्स. देखा, दो होल्स बना दिया.
अभी यहाँ से डायरेक्टली शेफ बाहर आ जाएगा. मतलब बैटरी चेंज करना सुपर इजी. यस. खुला बैटरी चेंज. चल मैं इस ढक्कन पे ये होल्ड कर लेता हूँ. हाँ. और उसके लिए यूज करेंगे हम कटर. फ्रेंड्स बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स. बड़ों का साथ होना जरूरी है. ये ढक्कन के अंदर बैटरी गया ऐसा. अभी वायर्स भी अंदर डाल देंगे. अब इसको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि ये स्विच ऊपर आना चाहिए और ये मोटर ये शाफ्ट के थ्रू. देखा फ्रेंड्स अभी ये शाफ्ट बाहर नहीं आ रहा पूरा, तो उसके लिए हम पीछे से कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा आगे पुश करने लायक कुछ डालेंगे. सनबोर्ड कैसा रहेगा? सनबोर्ड. हाँ ओके. सनबोर्ड पीस यार देख छोटा पीस पकड़ा हुआ है. वाह वाह यहाँ भी छुपाने लग गया. छुपाने यार इतना सारा प्रोसेस किया, इतने छोटे छोटे पीसेस तो रह गया ना. हम छोटा सा पीस लेंगे. देखा फ्रेंड्स अभी इससे शाफ्ट बहुत आगे आ जाएगा. ये देखा बाहर तक आ गया. इसको एक्स्ट्रा जो है काट लेते हैं. अब ये ऐसा आ जाएगा ऊपर. ये फिट हो गया कैप. चलो इसको टेस्ट करते हैं. वर्क्स परफेक्ट. परफेक्ट. मेरे पास एक और मस्त आइडिया, मतलब मेरे पास नहीं है, मैंने देखा है. ओके. एक बंदा ने दो कमरे को ठंडा करना था उसको, पर उसके पास एक ही एयर कूलर है. उसने पता है कैसे स्प्लिट किया दोनों कमरे में? मुझे पता है. पता है फ्रेंड्स आपको पता है? आई थिंक पता होगा. नहीं मैं बताऊंगा ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. ब्रेक पे जाने से पहले विक्रम ये बता रहा था कि उसने एक जुगाड़ देखा है जिसमें एक इंसान के पास था एक कूलर और उसे हवा चाहिए थी दो रूम में. यस. और उसने जुगाड़ से अचीव किया. यस. बता दूं? हाँ हाँ. उसने एक कूलर के आगे लगाई एक पैंट. हाँ. और एक रूम में गया एक लेग से हवा, दूसरे रूम में दूसरे लेग से हवा. नाइस ना. हाँ चलो देखते हैं हमारा ये पागलपंती का जुगाड़ कहाँ पहुंचा है. ठीक है अभी ये मोटर रेडी हो गया. यहाँ पे स्लाइड होने के लिए दो छोटे छोटे ट्रैक चाहिए. उसके लिए हम यूज करेंगे एक सेफ्टी पिन. फ्रेंड्स ये जो सेफ्टी पिन है ना, देखा इसमें ऑलरेडी एक लूप बना हुआ है. ये लूप के थ्रू जो तू स्लाइडर बनाएगा वो डाल देंगे थ्रू. ओह फ्रेंड्स मैं यूज कर रहा हूँ ये पतला सा एल्यूमिनियम वायर. ये बहुत ही आसानी से शेप हो सकता है. ठीक है इसका एक पीस काट लेता हूँ. मुझे भी कटर चाहिए. ये यहाँ तक काट लेंगे. ठीक है अभी एक्चुअली ये वाला पार्ट है ना वो ऐसा आएगा. ओ ये जगह पे ऐसे रुकने के लिए दो पीसेस काटा था ना मैंने. ओके. इसका मैं बीच तक यहाँ लाऊंगा. ऐसा एक और लाऊंगा. ये फ्रेम के ऊपर चिपकाने के बाद ये स्लाइडर यही पोजीशन पे आएगा. ओके फ्रेंड्स हम ये थंब पिंस यूज करेंगे. यहाँ पे ये बन जाएगा लीवर फॉर द वाइपर. ओके चलो ये बन गए दो लूप. हाँ अब बनाना है यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पीस जैसा विक्रम ने स्केचबोर्ड में बनाया था. हाँ ठीक है वो आएगा यहाँ पर. और उसका हाइट के हिसाब से हम क्रैंकशाफ्ट भी बना लेंगे. ये है फोम बोर्ड. इसको हम पतला सा लंबा पीसेस काट लेंगे और यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे. ठीक है रेडी हो गया ये स्लाइडर. वाह नाइसली डन है ना. हाँ ये देख यहाँ पर लग जाएगा क्रैंक वाला मैकेनिज्म. हाँ ठीक है और ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा. तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा अभी वाइपर्स. ठीक है अभी डन. दोनों वाइपर्स भी रेडी हो गया. चलो ये भी चिपका लेते हैं थोड़ी सी हेल्प कर दे. हाँ 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 ये ग्लू ग्लास पे नहीं करना चाहिए. यस बस 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 ठीक है ये चिपक गया. अब वैसे ही यहाँ पे भी चिपका देंगे. डन डन. अब ये स्लाइडर जैसा मूव हो रहा है. नाइस.
अभी सेम जैसे इसको फिक्स किया ना वैसे ही यहाँ पे भी दो थंब बीन्स को फिक्स कर लेते हैं okay. और इसके लिए मैं ये बेंड कर लूंगा, शार्प वाला पार्ट निकाल देंगे और इसको भी बेंड कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट है वाइपर लगाना है हमको yes. ठीक है, ये वाइपर जो है ये आएगा ऐसा, ये वाइपर के ऊपर एक लूप है तो हम क्या करेंगे पहले ये ऊपर वाला लूप में वाइपर ऐसे डाल देंगे और ये जो छोटू सा सर्कल है उसको लॉक करने के लिए ये जो पीस काटा था ना हमने वो आगे से डाल देंगे, वो फ्रेम को पकड़ेगा। अभी यहाँ पे हम ये फ्रेम के ऊपर चिपका देंगे बट ये स्लाइडर को सेंटर में रख के, तो उसके लिए सुपर ग्लू। यस बहुत काम, वेरी गुड। चल उठा लो उसको थोड़ा सा, अब ये चिपक गए ना ऐसे हम दूसरा भी चिपका देंगे। ये भी चिपक गया, अब ये स्लाइडर काम कर रहा है ठीक है। अब क्या करना है, बस क्रैंक बनाना है। हाँ दैट्स इट, ये इतना छोटा पीस काफी है। अब ये आगे ऐसे अटैच करते हैं। नाइस, मेरे ख्याल से विक्रम ये डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हाँ बीच में ये डाल दे पेन की रिफिल। परफेक्ट, तो Perfect. आगे जो रिफिल लगेगी हाँ कुछ इतनी हाँ नाइस। चलो इसे फिक्स कर लेते हैं हाँ एंड देन वी आर डन। यस वाओ, इंसुलेशन टेप यहाँ पे फिर एक क्रैक निकाल के साइड में रखते हैं। अभी इसको अच्छे से पैक कर लेंगे, ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ये क्रैंकशाफ्ट भी चिपक गया, अभी ये जो स्लाइडर को हम डाल देंगे और इसके से चिपका देते हैं। डन यस, टेस्ट करें। हाँ 3, 2, 1 नाइस, दिखा देगा मैं पहनू। हाँ पहनो पहनो। सो नाइस लुक्स यार, ऐसा लग रहा है कि मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ फॉर सम रीजन। ये ले, अरे ट्रैकर, अब मैं बारिश में भी चलाऊंगा और धूप में भी। क्या लग रहा है यार विक्रम, मस्त से। नाइस यार, नाइस। फ्रेंड्स देखा, ये पागलपंती के चक्कर में हमने बना लिया एक क्राफ्ट्समैनशिप वाला इंट्रिकेट प्रोडक्ट। हाँ, इसमें देखा हमने लिंकेजेस के बारे में सीखा। हाँ, काम करे ना करे बट दिखने में सुपर कूल, सो जस्ट इंजीनियर दिस।